बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट और यामी गौतम स्टारर फिल्म जुनूनियत 24 जून को रिलीज होने की बजाय अब 17 जून को रिलीज होगी। फिल्म निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसे बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है। फिल्म निदेशक ने बताया, हम पहले से ही फिल्म के साथ तैयार थे। फिल्म के गाने काफी हिट हुए हैं, फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है, इसलिए हमने इसे पहले ही रिलीज करने का फैसला लिया है। फिल्म के स्टार पुलकित सम्राट और यामी गौतम फिल्म के इंटरव्यू में मौजूद रहे। जब पुलकित सम्राट से पूछा गया कि फिल्म के नाम जुनूनियत को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिल्म के हीरो ने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया, जुनूनियत। जुनूनियत मींस पैशन, पैशंस मीन पैशन मींस एनीथिंग दैट यू कैन गिव योर लाइफ अवे फॉर। व्हाट कैन यू गिव योर लाइफ अवे फॉर? समथिंग दैट मींस सो डियर टू यू। व्हाट मींस सो डियर टू यू? That would be the way you love your family, the way you would love your loved ones, the way you would love your friends, and the way you would love your work, so that it doesn't feel like work. And this all is what is Junooniyat for me. और वही यामी ने भी Junooniyat को passion बताया. Yes. No, yeah, he said it totally right. I think for me, passion is my family. Passion is passion and that passionate love for your, I think, loved ones and your work. I think this is a very very passion driven industry. अगर आप में passion नहीं हो तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छी picture नहीं बन सकती है. और अगर और हर टीम मेंबर में पैशन चाहिए, बी इट फ्रॉम एक्टर्स टू द स्पॉट बॉय फॉर देयर वर्क। और फिल्म की एक्ट्रेस यामी ने कश्मीर की ठंड में वन पीस ड्रेस पहनकर शूट भी किया। आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक माय रिस्पेक्ट फॉर अदर एक्ट्रेसेस हुव डन इन द पास्ट एंड माय ओन सेल्फ, आई थिंक इट्स गॉन रियली हाई बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू नीड जुनूनियत एट दैट टाइम टू जस्ट forget everything, forget your feeling cold or horrible or whatever you're feeling and just go for the shot, look your best, do your best and just साथ ही जाते जाते दोनों स्टार्स ने फिल्म के व्यूअर्स के लिए एक मैसेज भी दिया है। व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? हां जी, प्लीज बिकम अ व्यूअर्स, कम एंड वॉच जुनूनियत ऑन। वेल, अब फिल्म जुनूनियत की रिलीज डेट 24 जून से हटाकर 17 जून कर दी है। होप कि आपकी फिल्म खूब हिट जाए। बॉलीवुड बेहतरीन एक्टर इरफान खान की अपकमिंग फिल्म मदारी का सॉन्ग लॉन्च हुआ है। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फिल्म के सॉन्ग लॉन्च के मौके पर दिखाई दी हैं। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर निशिकामत पंजाबी और बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म 10 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट खिसका कर 15 जून कर दी है। इस पर क्या कहना है इरफान खान का? फिल्म के डायरेक्टर निशिकामत ने एक्टर इरफान खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को बेहद उम्दा बताया है। सर, एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है। हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की और उसके बाद फिल्म आना चाहिए। दूसरी बात, 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ इतनी फिल्में आ गई। उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था, कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमज़ान निकल जाने दो, तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मोस्टली इट वॉज के थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों के जबान पर चढ़ जाए। डायरेक्टर साहब ने इरफान के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इरफान की खूब तारीफों के फूल बांध दिए। Always been a pleasure. In fact, we go back a long time, right from 94-95. We did a television series then. Then we did Mumbai Mere Jaan around 2007. So we have been a. I think so. We both are. हमारे लिए तो हमेशा एक picnic रहती है. मतलब of course बहुत seriously काम करते हैं दोनों. लेकिन the working atmosphere is very nice because we both know each other pretty well. We know कि दोनों की likings क्या है actually, और दोनों की boundaries भी क्या है कि मैं कहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि सच एन इवॉल्व्ड एक्टर, आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन हिम फ्यू थिंग्स एंड ही अंडरस्टैंड्स इट सो वेल, और रादर ही कम्स प्रिपेयर्ड सो वेल दैट एट टाइम्स आई हैव टू अनडू फ्यू थिंग्स, सेइंग दैट डोंट डू दिस मच और डू दिस मच। बट इट्स ऑलवेज एन ऑनर, ऑलवेज एन प्लेजर टू वर्क विद सच अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। वेल, एक्टर इरफान खान अपने काम और एक्टिंग के लिए तो तारीफ़े काबिल ही हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर इरफान खान डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण को सबसे बड़ी स्टार मानते हैं।
उन्होंने कहा कि दीपिका सबसे बड़ी स्टार है और उन्हें खुशी है कि अमिताभ बच्चन भी यही मानते हैं। आपको बता दें कि इरफान खान और अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म पीकू में एक साथ काम किया है। इरफान अपनी अपकमिंग फिल्म अदारी के सॉन्ग लॉन्च के मौके पर दीपिका को सबसे बड़ी स्टार कहा। फिल्म पीकू में काम करने को और अमिताभ बच्चन द्वारा ये कहना कि पीकू फिल्म को ऑडियंस सिर्फ दीपिका की वजह से मिले हैं, तो इस सवाल पर इरफान ने क्या कहा सुनाते हैं। डोंट वांट टू रिएक्ट फॉर दैट एंड वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है कि दीपिका इज द बिगेस्ट स्टार एंड दीपिका वाज द डायमंड इन द होल यू नो मोंटाज ऑफ एक्टर्स एंड मुझे खुशी है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया दीपिका को। वेल, इन दिनों दीपिका की खूब बड़ाई की जा रही है, हर कोई उन्हें एक बेहद ही उम्दा स्टार मानते हैं और मानेंगे भी क्यों नहीं। इन दिनों मैडम हिट पर हिट फिल्में जो दे रही है, शायद यही वजह है कि दीपिका इन दिनों एक दिन के एड शूट के 3 करोड़ रुपए ले रही है। कृति सेनन ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपने अपकमिंग फिल्म राब्ता की शूटिंग पूरी कर ली है। कृति ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें बुडापेस्ट की याद सताएगी। उन्होंने लिखा, अलविदा बुडापेस्ट, तुम पिछले 2.5 महीनों तक एक प्यारा घर बने रहे, तुम्हारी याद आएगी, सेंटी वाली फीलिंग, राब्ता। दिनेश विजान निर्देशित राब्ता में सुशांत सिंह राजपूत भी है, जो जल्द ही अपकमिंग बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका में नजर आएंगे। नीरज पांडे निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियोज निर्मित MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2 सितंबर को रिलीज होगी। गौरतलब है कि बुडापेस्ट में शूटिंग के पहले शेड्यूल में कड़ाके की ठंड के बीच कृति गर्मियों के कपड़ों में शूटिंग करती थी। बुडापेस्ट में आमतौर पर मई के महीने में गर्मियां होती है, जबकि जून की शुरुआत में यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। कृति को कड़ाके की ठंड के बीच फिल्म के स्पेशल भाग के लिए गर्मियों के कपड़ों में शूटिंग करनी थी। कृति ने बताया कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, कड़ाके की ठंड में गर्मियों के कपड़े में मैं कभी नहीं पहन सकती, लेकिन ये मेरी फिल्म थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। फिल्म की पूरी टीम बेहद अच्छी है, शूटिंग सीन पूरा होने के बाद ये और कोट हीटर लेकर तुरंत आ जाते थे। कृति अपनी फिल्म की शूटिंग सेट को खूब मिस कर रही है। कृति के फैंस को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड की बागी गर्ल श्रद्धा कपूर अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बागी की सफलता से बेहद खुश है। श्रद्धा फिल्मों में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के जलवे खूब बिखेर रही है, साथ ही सिंगिंग में भी पीछे नहीं है। श्रद्धा ने अपनी कुछ फिल्मों में खुद ही सिंगिंग की है। एक बार फिर से श्रद्धा अपनी नई फिल्म में सिंगिंग का जादू बिखेरती नजर आएगी। जी हाँ, श्रद्धा फिल्म रॉकऑन 2 में अपने सभी गाने खुद गाएंगी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर फरहान अख्तर ने उन्हें अपने सभी सॉन्ग्स को आवाज देने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार सिंगिंग का शौक रखने वाली श्रद्धा फिलहाल सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान रखना चाहती है, लेकिन शौक को पूरा करते हुए 1-2 गाने के लिए तैयार रहती है। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर फरहान अख्तर ने उन्हें अपने सभी सॉन्ग्स को आवाज देने के लिए कहा तो श्रद्धा ने इनकार कर दिया। श्रद्धा को लगा कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब फरहान नहीं माने तो वे गाने के लिए तैयार हो गई। फरहान के अनुसार श्रद्धा के गाने से फिल्म में रियलिटी आएगी, अब वे उन पर पिक्चराइज सभी गानों को आवाज देंगी। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रद्धा की फिल्म एक्टिंग और सिंगिंग से कितनी हिट हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी।